हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर्स आज एंड एवरी वन अगरवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल दिस इज योर मेंटर एडवोकेट साक्षी सुनील त्यागी दिसन सब्सक्राइब द चैनल गो अहेड फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल सो आई एम अवेयोर फॉर बेसिक रीजन दैट इज फॉर द सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स इससे पहले आप लोगों ने मेरे को एम एच सी टी सी एस ई टी इकोनॉमिक्स वगैरह के साथ देखा है पर यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव किन बच्चों के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव बच्चों के लिए कौन से वाले ग्रुप 1 बच्चों के लिए मैं उन लोगों के लिए लाई हूं जीआईजीएल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अब हाँ लगता होगा स्क्रीन के उस तरफ बैठकर बोलना कि मैम तो एडवोकेट है तो मैम का तो जीआईजीएल फेवरेट होना बनता ही है ऐसा नहीं है सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ऑलमोस्ट 17 कोड्स 17 लॉज आपके एक टाइटल के अंदर कवर किए हुए हैं सो जे आई जी एल इजेंट इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज ठीक है सो आई एम टू एक्सप्लेन यू चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट तो सबसे पहला जो चैप्टर है अपना वो है सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 ठीक है जी अब अगर आपने नाम ही देख लिया होगा स्क्रीन पे मेरे नोट्स दिख रहे हैं तो क्या ही बात छुपी आप लोगों से है ना तो फ्रॉम द नेम इट सेल्फ इट इज टू बी इम्प्लाइड अब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा अगर नहीं पढ़ लिया होगा सो वाई एम आई आईर आई एम योर टू एक्सप्लेन यू दीज लीगल वर्ड्स इन टू वेरी सिंपल मैनर तो ये जो वर्ड इम्प्लाइड है इसका मतलब क्या है टू बी अंडरस्टूड कि नाम ही आपको बताता होगा कि ये बीच वाला जो शब्द है कि ये लॉ कैसा है भाई दुनिया में प्रोसीजरल है अब ये प्रोसीजरल वर्ड मे को बोलना जितना आसान है उतना ही में को इसके पीछे एक पंचतंत्र तंत्र की कहानी बनानी पड़ी आप लोगों के लिए भाई ताकि आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोसीजर वो बढ़िया तरीके से समझ में आ पाए सो व्हेन आई से इट्स प्रोसीजरल लॉ तो एक बच्चे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये फंक्शन कैसे करता है एक प्रोसीजर जो है तो हम हमारे जनरल लैंग्वेज में या आपके और मेरे डेली कॉन्वर्जेशन की जो भाषा होती है अगर मैं आपको बोलूँ ये प्रोसीजर है तो आपका क्या समझना है कि अच्छा स्टेप वाइज फॉलो करो और बात खत्म हो गई है ना तो ये स्टेप वाइज तो फॉलो करना ही है पर इस स्टेप वाइज में जब हम इसको फॉलो करते हैं तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं ये कौन से कौन से चीजों को सर्व करता है वो देखना जरूरी है वट इज द प्रोसीजर दैट इज टू बी फॉलोड एज वी से प्रोसीजर लॉ तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है मेरे को पता है बात पल्ले अभी भी पढ़, कुछ पढ़ नहीं रही होगी आप लोगों के तो so, मैं मोटा माटी एक बात बताती हूँ और वो बात क्या है कि अपने पास अपने सराउंडिंग में अलग अलग एक्टिविटीज होती रहती है तो so, जो एक्टिविटीज होती है उसमें से कुछ लोगों से हो जाते हैं ऑफेंस अब ये जो ऑफेंस हो जाते हैं कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो सिविल वर्ड के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं और कुछ ऑफेंस भाई साहब नेचर में ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं अच्छा आजकल के जेनरेशन से बात करे तो सिविल ऑफेंसेस क्या है उनको ये नहीं पता होगा लेकिन क्रिमिनल ऑफेंसेस क्या है हमको बरोबर पता होगा मर्डर डको हाफ मर्डर रेप एक्सटोशन कौन से नेचर में आ गए सारे आपके क्रिमिनल नेचर। तो हमको सबसे पहली बात ये वर्ड जानना है कि जब हम बात सिविल की कर रहे हैं और प्रोसीजर की कर रहे हैं तो ये सब चीजें क्या हैं। तो इसी चीज को मैंने बोला मैंने आप लोगों के लिए कहानी बनाई है तो कहानी सुन ले है ना सो लेट इज अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल इमेजिन देर इज मिस्टर एस मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर ए बहुत यूज कर लिया जिंदगी में अब मिस्टर एस की बारी है सो देर इज मिस्टर एस ठीक है हु इज अ सिटीजन ऑफ ऑफ इंडिया और बाय टाइम अभी आप लोग इस लेवल में आ गए हो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इंडिया का सिटीजन है बॉस तो उसको इंडिया की सरकार ने और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक राइट्स दिए हुए हैं है ना यानी कि इसका मतलब ये है कि वो सिंस इंडिया का सिटीजन है रूल्स so इन the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in और बच्चों को मैं समझाने के लिए बार बार एक ही बात बोलती हूँ मतलब तो भारत का जो संविधान है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हर किसी को राइट टू वोट दे रखा है बस एक कंडीशन उसने डाली हुई है कि भाई आपकी उम्र अठारह साल से ऊपर की होनी चाहिए ठीक है सो नाउ मिस्टर एस हैज अ राइट टू वोट तो वोट देने के लिए अपन एकदम ग्राउंड जीरो पे जाके बात करेंगे अब ऐसा मत समझो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है पर लॉ के अंदर बात ही ऐसी है कि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो ही जाती है जैसे कि आपकी एक्स कब किसकी प्रेजेंट आपके दोस्त के सर्कल में से निकले इस बात की गारंटी ना आप लेते हो ना आपको पता होता है ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना मैं बता सकती हूँ वर्ल्ड इज अ वेरी लिटिल एंड फनी प्लेस ठीक है तो अब जब इस मिस्टर एस को वोट करना है सो मिस्टर एस शुड हिज नेम बी बाबू सोना के दिल में नहीं ठीक है उधर नाम नहीं रहा चलेगा वोट करने के लिए आपका नेम एक जगह रहना चाहिए और वो है रजिस्टर जिसको अपन बोलते हैं इलेक्शन रोल ठीक है अब ये जो इलेक्शन रोल है तो यहाँ पे इलेक्शन रोल क्या कंसिडर करता है कि ये जो इंसान है ये कौन से एरिया को बिलोंग करता है और ये कहाँ का है और उनके नाम सहित ठीक है सो मिस्टर एस हैज बिन ग्रांटेड द राइट टू वोट फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ अभी ये जो सारा वोटिंग का इतना सब पसारा मैंने आपको बताया कि इलेक्शन रोल के अंदर इसका नाम होना चाहिए रजिस्टर के अंदर इनका नाम होना चाहिए और रजिस्टर क्या क्या चीज कं, कंसिस्ट करती है इन सब का लेका जोखा एक इंसान के पास होता है चित्रगुप्त नहीं इलेक्शन कमीशन ठीक है जैसे आपने जिंदगी में कितने कुकर्म और कितने कांड कर रखे हैं तो चित्रगुप्त वहां पे जाने से पहले टैली करता है किसको नरक में भेजना है या स्वर्ग में अप्सरा के पास भेजना है या जलती हुई आग में और इसको एकदम ही बेकार इंसान है। तो वैसे ही यहां पर सिस्टम है, ठीक है? ठीक ऑफ वोटिंग इज बिन आफ्टर द इलेक्शन कमीशन एक बात इलेक्शन कमीशन जब भी वर्ड आता है दिमाग में रखनी है इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी ठीक है यानी कि किसी भी सरकार

उसने बोला क्यों और बस मेरे मन की मर्जी मेरे को नहीं इट्स हिज चॉइस ऐसा बोलकर तो रजिस्ट्रार ने नहीं लिखा मिस्टर एस का नाम ठीक है इमेजिन दैट द रजिस्ट्रार रिफ्यूजस टू एंटर हिज नेम हिज नेम मींस मिस्टर एस नेम इन द रजिस्टर बुक सो द रजिस्ट्रार इज इन्फ्रिंजिंग यानी कि वायलेटिंग आरे मैम बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल कर रहे हो

So, ये जो पूरा मैटर है ना कि ये मेरा नाम नहीं लिख रहा अब आप क्या करोगे मिस्टर अपने मम्मी पापा के पास जाएगा क्या रजिस्ट्रार अपने मम्मी पापा के पास जाएगा क्या बचपन में आप क्लास में बैठे से मम्मी को नाम बोलूंगी चिमटी ले ली किसके मम्मी पापा के पास जाओगे तो ये सारा जो मामला है ना दिस फॉल्स अंडर वन टाइटल दैट इज अंडर द सिविल कोर्ट ठीक है तो अब जब ये मामला सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा तब आपको और मेरे को पता चलेगा कि कौन सा प्रोसीजर कैसे फॉलो होना है बॉस। थोड़ी बहुत तो कुछ जस्टिस प्रोवाइड करनी है बोलता है अभी हम जिंदा है ने इतना वेलकम पिक्चर में बोल लिया अभी हम जिंदा है अभी हम जिंदा है कि बेचारे पिक्चर के बाद रेस्ट इन पीस हो गए वैसे अपने जजेस नहीं होते क्योंकि जजेस की प्लेस इमीडिएटली कोई और रिफिल कर लेता है ठीक तो है कम लेट्स गेट बैक टू द पिक्चर तो मिस्टर एस है मिस्टर एस जाता है सिविल कोर्ट में और केस फाइल करता है रजिस्ट्रार के पास तो जो इंसान केस फाइल कर रहा है वो कहलाया जाता है प्लेंटिफ कोर्ट उसको बोलता है आ भाई बैठ हम सुनेंगे तेरी तू अपनी आपबीती बता ठीक है क्या? वहां पे कर नहीं रहा है ये इंसान यहाँ पे आके बैठा है शकल से बहुत लाचार लग रहा है क्या पता बेचारे के साथ जिंदगी में कुछ बीता हो बेटा सुना तू तो क्या बोलना चाह रहा है जाहिर सी बात है नहीं तो जब प्लेटिव कोर्ट में जा रहा है तो उनको एक प्लेन टू करनी है प्लेन टिश्यू करने का वर्ड का मतलब क्या है द्लेंट वेन ही रीचेज और वेन ही कोर्ट ही प्लेन दैट इज लेटर वेर ही हो गया एक्शन अपन साइंस में पढ़ते हैं ना एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन रजिस्ट्रार ने रजिस्टर में नाम लिखने से मना कर दिया ये इंसान चले गए कोर्ट में तो जब ये इंसान कोर्ट में जा रहा है वो एक्शन ले रहा है किसके खिलाफ रजिस्ट्रार के खिलाफ ठीक है एंड देन द कंप्लेंट इज एक्शन बट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोर्ट इज कॉज ऑफ एक्शन अब आप कोर्ट के पास चले गए अपने अपनी कंप्लेन लिख दी काम खत्म हो गया क्या नहीं अब जब मिस्टर एस कोर्ट के पास जा रहा है मिस्टर एस को क्या चाहिए जस्टिस ठीक है तो यहां पे रीजन वाई मिस्टर एस फाइल्ड द केस दैट विल बी स्टेटेड इन द प्लेन एंड कॉज ऑफ एक्शन जब आप लिख रहे हो तो आपको बहुत जरूरी चीज लिखनी है कि जब आप कोर्ट के पास कंप्लेन लेकर आ रहे हो तो आपको कोर्ट से रिटर्न में क्या चाहिए डू यू वॉन्ट अ रिलीफ डू यू वॉन्ट अ कंपनसीशन वट आर यू बेसिकली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्ट ठीक है सो कॉज ऑफ एक्शन के अंदर इंक्लूड करता है

अब ये हो गया प्लेंटि प्लेंटिव समझ में आ गया कौन होता है जो जाकर अपनी आम बीती बताता है तो अब जब ये जज के पास गया है तो कोर्ट अभी एक और बात मिस्टर एस खुद जाके जज को देगा क्या ये सब लिखकर मिस्टर एस अपॉइंट करेगा उसके लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसके बिहाफ पे ये सब देखेगा जिसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं वकील दैट इज एडवोकेट सो मिस्टर एस एडवोकेट विल गो एंड सबमिट ऑल दिस अब जब वकील ने जज साहब को प्लेन सबमिट कर दिया है जज साहब सारा रीड करेंगे रीड करने के बाद जज साहब क्या करेंगे कोर्ट आफ्टर रिसीविंग द प्लेन विल कॉल द रजिस्ट्रार जिसके खिलाफ कंप्लेन रेस की है तो अब जब कोर्ट ने रजिस्ट्रार को बुलाया इसका मतलब है कोर्ट ने रजिस्ट्रार के खिलाफ समन इशू किया कि भाई तुम्हारे नाम का नोटिस हमारे पास आया है तो अब तुम हमारे सामने हाजिर हो जाओ एंड जब रजिस्ट्रार आएगा और बोलेगा मैंने क्या किया तो कोर्ट बोलेगा तुमने इस इंसान का इस सज्जन का नाम लिखने से मना कर दिया तो रजिस्ट्रार बोलेगा आई हैव अ वैलिड रीजन उसको तभी रीजन नहीं दिया मैं गुस्से में था मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं तो जब रजिस्ट्रार खुद को एक्सप्लेन करेगा या रजिस्ट्रार एक लीगल फॉर्मेट में बताएगा वाई ही डिड नॉट राइट द नेम ऑफ मिस्टर एस वो कहलाया जाएगा डिफेंडेंट यानी कि वो खुद को डिफेंड कर रहा है एस टू मेरी गलती क्यों नहीं है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपका बेसिक फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहला आपके पास आता है यू हैव टू कन्विंस द कोर्ट दैट राइट बीन जो कन्सोलेटेड को करना पड़ा और एक बार कोर्ट को सफिशियंट लगता है फिर कोर्ट सामने वाले इंसान को बुलाता है फिर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा और अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ जाएगा डिफेंडेंट के पास ठीक है जी चलो

एंड आफ्टर लिस्निंग टू बोथ द आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने पहले मिस्टर एस की बात सुनी फिर समन इश्यू किया फिर रजिस्ट्रार आया फिर रजिस्ट्रार की बात सुनी अच्छा रजिस्ट्रार यहाँ पे खुद बात कर रहा है क्या जज साहब से किसके थ्रू बात कर रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है एडवोकेट है ना सो बोथ विल पुट फोर दिया पॉइंट बाई दीगल रिप्रेजेंटेटिव दोनों की आर्ग्यूमेंट होगी अब जाहिर सी बात है गली नुक्कड़ की लड़ाई रहने दो भाई बहन की लड़ाई रहने दो दोनों जीतते हैं क्या दोनों में से एक इंसान जीतता है इन द सिमिलर मैनर कोर्ट दोनों को जजमेंट देगा क्या चल पचास डिसीजन किसी एक के फेवर में आएगा ना इन द सिमिलर मैनर आफ्टर टू द लिसग्यूमेंट दैट इज बिन पुट फोर्थ बाय बोथ द द पार्टीज जज विल प्रोवाइड जजमेंट इन फेवर ऑफ वन पार्टी दैट इज ईदर द इधर द डिफेंडेंट ठीक है, जज और द कोर्ट गेव जजमेंट इन टू द फेवर ऑफ प्लेटिव यानी कि मिस्टर एस के में जज ने क्या बोल दिया कि रजिस्ट्रार बहुत गलत काम कर रहे हो सुधर जाओ वरना सलाखों के पीछे जेल में डाल दूंगा अभी तो फाइन भर दो ठीक है और मिस्टर एस का नाम तुरंत तत्काल रूप से यानी कि विद इमीडिएट इफेक्ट मिस्टर एस का नाम लिख दो तो अब जज ने जब अपना जजमेंट प्लेटिव के फेवर में दे दिया तो इस जजमेंट को हम लीगल टर्म्स में एक नाम से जानते हैं और उस नाम वो वर्ड का नाम है डिक्री ठीक है दैट इज द कोर्ट हैज डिग्री डिक्री यानी कि जजमेंट ठीक है सो डिक्री इज फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट अब इस वर्ड डिक्री को अगर देखोगे मैंने दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया फाइनल एक्सप्रेशन एंड जजमेंट ऑफ द कोर्ट सो व्हाट इज फाइनल एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन रिफर्स टू द वर्डिक्ट द जजमेंट दैट इज बीन गिवन बाय द कोर्ट व्हिच इज इनटू अ रिटन फॉर्मेट आप लोगों ने देखा होगा जज जब भी जजमेंट दे रहा है साइड में दो लोग बैठे हैं टाइपिस्ट हैं तो जज जैसे बोलता है वो टाइप करते हैं तो वो जो टाइप करेंगे वो तभी टाइप कर रहे हैं जब जो जजेस जो भी कुछ बोल रहे हैं तो पूरा केस होने के बाद जो भी कोई जजमेंट आता है उसको अपन एज ए डिक्री रेफर करते हैं ठीक है तो एक इंसान है डिक्री होल्डर अब डिक्री होल्डर जाहिर सी बात है वो होता है जिसके फेवर में जजमेंट आता है सो द पर्सन इन हूज फेवर द डिसीजन और द इट रेस्ट दैट इज ऊपर के एग्जाम्पल में अपन देखेंगे तो कौन है जी मिस्टर एस द प्लेटिव और एक है जजमेंट डेटर जजमेंट डेटर कौन हो गया जिसके अगेंस्ट वर्डिक्ट जजमेंट आया है ऊपर के केस में कौन हो गया रजिस्ट्रार ठीक है जी द जजमेंट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री पास बाय द जज स्टेट्स द रीजन एस टू वाई द डिफेंडेंट लॉस्ट यानी कि ध्यान से देखो कोर्ट बस ये नहीं बता रहा कौन हारा कौन जीता Quote, ये भी बता रहा है कि मिस्टर अगर जीता है तो वो क्यों डेटर तीनों नाम ले रही हूं मैं आप लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान है लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को भी ये लीगल टर्म्स ऑन टिप्स याद हो जाएंगे गारंटी मेरी ठीक है।, है तो यहां पे कोर्ट ये भी जजमेंट या कोर्ट अपने जजमेंट में ये रीजन भी दे रहा है एज टू वाई द रजिस्ट्रार दैट इज द डिफेंडेंट दैट द जजमेंट डेटर क्यों हारा है कहाँ आपसे गलती हुई है ठीक है क्योंकि उनके वकील रीड करेंगे क्योंकि कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट नहीं है ना ये जजमेंट से रजिस्ट्रार उठेगा और कोर्ट में जाके अप्लाई करेगा ठीक है अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा हो तो ठीक है सो द रीजन एज टू वाई द डिफेंडेंट लॉस्ट हाउ डिड द जज कम टू सच फाइनल डिसीजन विच आर बेस्ड ऑन अब जज को क्यों लगा कि भाई प्लेंटिव जीतना चाहिए सर्कन एविडेंसेस होंगे रजिस्ट्रार को जब बुलाया होगा रजिस्ट्रार को बोला होगा बुक दिखाओ मिस्टर एस का नाम क्यों नहीं है जज स्वयं तो नहीं जा सकते ना जहां पे रजिस्टर मेंटेन होती है तो जजेस ने किसको भेजा होगा जजेस ने किसी ना तो किसी अथॉरिटी को भेजा ही होगा ना क्या बोलकर कि भाई जरा जाओ चेक करो इनका नाम है या नहीं है और जब नाम नहीं दिखा होगा होगा दैट इज एविडेंट इनफ क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में में पता चला होगा कि इनका नाम नहीं है या महज आप यू कैन से इमेजिन कर लो कि रजिस्ट्रार ने बोला कि ये लोअर कास्ट को बिलोंग करता है इसलिए मेरे को नहीं लिखना है इसका नाम खुन्नस है मेरे को इससे ठीक है सो ऑल दिस इज प्रेजेंट नाउ हमने ये जो सारी चीजें ऊपर की तरफ देखी कि हमारे पास हमारा एक फंडामेंटल राइट right है जब राइट right है वो ब्रीच हो रहा है या वो इनफ्रेंज हो रहा है या वो वायोलेट हो रहा है तो प्लेंटिव जा रहा है प्लेंटिव केस फाइल कर रहा है कोर्ट समन इशू कर रहा है कोर्ट समन इशू करने के बाद सामने वाले इंसान को बुला रहा है जो डिफेंडेंट कहला रहा है दोनों पक्षों का वॉट यू से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट फाइनली एक जजमेंट पे आता है जिसको डिक्री बोलते हैं डिक्री होल्डर है डिक्री डेटर है ये सब अपन ने जो पढ़ा ये सब सिविल प्रोसीजर ही है दीज ऑल आदर स्टेप्स टू बी सपोज टू बी फॉलो वेन सिविल केस इज देर अच्छा टाइटल अलग हो जाता है

मैंने खुद को बहुत सिंपल तरीकों में जुरिस्डिक्शन वर्ड समझाया था मैंने खुद को इमेजिन किया था जैसे अभी हर एक एरिया का मेला चल रहा है तो मैंने खुद को इमेजिन किया था कि मैं एक मेले में गई हुई हूँ अब मेला है क्राउडेड जगह है वहां पे भाई पिक पॉकेटिंग का गेस होता है किसी ने मेरा वॉलेट चोरी कर लिया अब मैं मेले में दूसरे जगह गई हूं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैं उस जगह पे जाके कंप्लेन करूंगी वो पुलिस स्टेशन में जहां पे मेरा पर्स चोरी हुआ या अपने घर के पुलिस स्टेशन में क्योंकि अगर आप पुलिस के पास जाओगे उनको काम करना है नहीं वो बोलेंगे इट डज नॉट फॉल विद जूडन जुरस्ट डिक्शन मीन्स ये हमारी पावर ये हमारी अथॉरिटी ये हमारे एम्बिट में फॉल ही नहीं होता ये तो जी केस हमने लेना ही नहीं है आप तो ना ना जी ना हमसे ना ही हो पाएगा तो वो एक कोर्ट एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन निवंत आपको बस भगाने का काम करते है ठीक है सो सिविल कोर्ट आपको बताता है कि उनकी जुरिसडिक्शन या उनकी पावर कहाँ तक सीमित है सो बेसिकली लॉ टेल्स आर टू थिंग्स एंड वॉट आर कि हमारा राइट right, हमारा हक क्या है एंड द प्रोसीजर वन नीड्स टू फॉलो इफ योर राइट इज बिन वायोलेटेड तो अगर हम डीप में पढ़ेंगे ना अपने पास दो तरीके के कानून है एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ अच्छा ये याद जरूरी रखना है क्योंकि बच्चों को बस लगता है कानून तो कानून है क्या ही करना है और फिर बोलते हैं जे जेल बहुत डिफिकल्ट है सीपीसी समझ में नहीं आ रहा सिंपल सी बात है दो लॉज हैं सब्सटैंशल और प्रोसीजरल सब्सटैशल लॉ वो है जो आपको बताता है कि आपके राइट आपके बेनिफिट क्या है ऑन दर हैंड प्रोसीजरल लॉ को हम एक और नाम से जान सकते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव लॉ अब ये जो प्रोसीजरल लॉ है ये आपको नहीं बताता कि एज टू यू नो हाउ टू एक्सरसाइज द राइट मीन्स प्रोसीजरल लॉ नीदर गिव्स यू एनी राइट नॉर टेक्स अवे एनी राइट

और रूल्स तो बहुत हैं जैसे जैसे करेंगे पता चलेगा ठीक है तो सिंपल सी बात है ये एक टेबल मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है इज गोइंग टू एक्ट एज अ ब्रह्मास्त्र फॉर यू यू स्टूडेंट्स इज गोइंग टू एक्ट एज कैन से द गोल्डन नोट कुछ भी नाम जो देना है दे लो बस बाबू सोना के मैसेज के जैसे कंपेयर मत करना वो बहुत कुछ चीज है तो सबस्टेंटिव लॉ एक्सप्लेन करता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज

ये जितने भी 158 फिफ्टी एट सेक्शन ये हमको पावर जुरिस्टिक्शन कौन सी चीज कहाँ कैसे अप्लाई होगी वो बताती हैं अच्छा रूल्स जो मैंने आप लोगों को बताया वो हमको सेक्शन वन में दिए गए हैं तो रूल्स हमको राइट्स भी बताते हैं जुरिस्डिक्शन भी बताते हैं और इनको कैसे एक्सरसाइज करना है वो भी बताते हैं कई बारी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दो चीजों के बीच में देर आर एट टाइम्स अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन सेक्शन एंड बिटवीन रूल्स तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जो लॉ के इंटरप्रिटर्स हैं एंड हु इंटरप्रेट्स द लॉ आपको लगता है कौन कौन लॉ इंटरप्रेट करेगा जज इंटरप्रेट करेगा वकील इंटरप्रेट करेगा अपने जो लेजिस्लेटिव है जब अपन बोलते हैं इंडिया की सरकार के तीन ऑर्गन है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तो लेजिस्लेटिव का तो काम कानून बनाकर छोड़ देना है जुडिशरी को सारा ये जो इंटरप्रिटेशन का काम है उनको सारा ये सब देखरेख करनी है तो यहां पे जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपको ये बात बोलता है कि अगर एक सेक्शन और रूल के बीच में डिफरेंसेस है दोनों अगर अलग अलग बात बताते हैं तो इस केस में सेक्शन विल आर एट टाइम्स बिटवीन कोड सेक्शन एंड रूल्स इन सच सिचुएशन कोड विल ऑलवेज प्रिवेल एंड रूल को अपन बाद में ऑल्टर कर देंगे यानी कि अमेंड कर देंगे यानी कि चेंज कर देंगे सो so कोड और आर सुपीरियर एंड रूल्स आर सब ऑर्डिनेट अपन रूल्स को इग्नोर नहीं करते लेकिन एकदम लीस्ट केस में हम रूल्स को रेफर करेंगे सो इन शॉर्ट सीपीसी बॉडी ऑफ लॉ वेर वी कैन सी द प्रोसीजर उस प्रोसीजर को प्रैक्टिस कैसे करना है एंड वॉट इज द मेथड ऑफ द सेम सो विथ दिस वी है चैप्टर नंबर वन ऑफ हैं उन सब से रिलेटेड आपको सिविल कोर्ट में जाकर कौन से कौन से प्रोसीजर को अप्लाई करना है ताकि आपका जो फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है आपको उसके रिगार्ड्स या फिर आपको उसके रिटर्न में जो भी कुछ बेनिफिट मिले कंपनसियेशन मिले जजमेंट मिले वो सारा प्रोसीजर हमको सीपीसी बताता है केस अगेंस्ट द डिफेडेंट और पर्सन हु प्लेटिव इन हिज कॉज ऑफ एक्शन गोइंग टू आस्क फॉर अ रिलीफ टू होम टू दिविल कोर्ट और टू द सिविल जज judge on reading the entire plaint that is entire statement given by the plaintiff will issue a summons to whom to the defendant

वाई द डिक्री इज बिन गिवन इन फेवर ऑफ वन पर्सन और दूसरा पर्सन अगर हारा है तो वो क्यों हारा है वजह क्या है हारने की दूसरी बात डिक्री होल्डर एक इंसान रहता है जिसके फेवर में जजमेंट दिया जाता है डिक्री जजमेंट डेटर वो होता है जिसके फेवर में जजमेंट नहीं दिया जाता मैंने जो इस लेसन में या मैंने जो इस लेक्चर में आप लोगों के साथ एग्जाम्पल लिया उसमें प्लेन टनि की डिक्री होल्डर वो जीत गया था

उसके बाद आपने और मैंने पढ़े कि दो तरह के के कानून है अपने पास सब्सटैंड और प्रोसीजरल हमको राइट्स देते हैं प्रोसीजरल हमको बताते हैं कि हमको इन राइट्स को कैसे फॉलो करना है आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इफ ये डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फर्गेट टू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच